इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक मिल जाएगी, तो सारी चीजें आपको वही मिलने वाली है जो आपको नेक्सॉन में मिलती है। अब मोटा मोटा डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ क्या है इसके अंदर। डिफरेंस है इस गाड़ी की ना, सबसे अच्छी बात मैं बताता हूँ। हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए टाटा कर्व पेट्रोल वाला वेरिएंट। भाई ये मात्र 10 लाख रुपए एक शोरूम से स्टार्ट हो जाती है, और 10 लाख रुपए में सच बता रहा हूँ ऐसा प्रोडक्ट आपको नहीं मिला है मार्केट में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इसकी क्या क्या चीजें मुझे अच्छी लगी और क्या क्या चीजें इसके अंदर नेगेटिव्स हैं, उन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो भाई मैं बात करूंगा इसकी की ना, सच बताऊ टाटा को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ जिन्होंने इसकी की को चेंज कर दिया है। चेंज ही नहीं, कितनी ज्यादा प्रीमियम है। इसको देखने से ना आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये जो की है बहुत टच है, लेकिन ये टच नहीं है बिल्कुल भी। आप देखिए इसमें ये हल्के हल्के डॉट्स भी दिए हुए, 1, 2, 2 और ये 3 इस टाइप के ना, तो आपको ऐसा लगेगा यार ये खराब है, लेकिन खराब नहीं है, ये का पार्ट ही है। बाकी इसके अलावा पीछे टाटा का लोगो भी है। एक चीज देखिए यहाँ पे, इसके टच नहीं है ये, तो आपको ऐसे प्रेस करना पड़ेगा लॉक अनलॉक फॉलो मी हेडलैम्प। देखिए जैसे ये लाइट जल गई है फॉलो मी हेडलैम्प दबाते ही, और दोबारा प्रेस करूंगा तो ये बंद हो जाएगी। और ये है बूट को ओपन करने के लिए, तो अगर आप इसको प्रेस करके रखते हैं देखते हैं खुलता है नहीं खुलता। आ जाइए, तो देखिए बहुत अच्छी बात है कि अब आपको इसमें प्रेस करने की जरूरत नहीं है। टेल गेट तो इसके अंदर आता ही है, बट लेकिन की से भी आप खोल सकते हो, जो कि प्रीमियम गाड़ियों के अंदर आता है। मैं एक बार दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए प्रेस किया, ये बंद हो गई। और अगर इसको इसको जस्ट आप सिर्फ प्रेस करके रखोगे 1, 2 तो ये खुल गया। आओ ये ओपन हो जाएगा अपने आप। देखिए मैंने कुछ भी टच नहीं किया है वहां पे, और उसके बाद अपने आप ऑटोमेटिकली ये टेल गेट ओपन हो रहा, तो बहुत ही अच्छी बात है। ये एक बहुत प्रैक्टिकल फीचर है जो टाटा ने अपनी गाड़ी में दे दिया है। अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि यार ये कहीं ना कहीं नेक्सॉन की तरफ है, सिमिलर है उसकी तरह, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यस, फ्रंट से अगर आप इसकी ग्रिल देखोगे, जैसे मैं आपको अनलॉक करके दिखाता हूँ, तो जो इसके इंडिकेटर है और डीआरएल्स है वो खा, आपको लग सकता है कि कहीं ना कहीं टाटा नेक्सॉन की ही आपको याद दिलाएगा, लेकिन देखिए स्पेशली ये वाली जो ग्रिल्स है, और ये ग्रिल जो है और ये एलईडी है, बट लेकिन ये जो ग्रिल है यहाँ पर वाली, ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको इसमें देखने को मिलेगा। वहीं इसके अंदर 360 डिग्री कैमरा भी आता है, जो कि अच्छी बात है बड़ी गाड़ियों में, या छोटी भी हो ना, 360 डिग्री कैमरा एक बहुत प्रैक्टिकल चीज होती है। बाकी वही एलईडी हेडलैम्प्स है, फॉग लैम्प्स है, जो नेक्सॉन वाला ही है। तो फ्रंट से देखने में आपको कहीं ना कहीं सिमिलर लगेगा नेक्सॉन में, क्योंकि एग्जैक्टली सेम हेडलैम्प फॉग लैम्प और डीआरएल्स और जो इसके एलईडी डीआरएल्स है कनेक्टिंग, वो सिमिलर है। बाकी टाटा का लोगो जो है वो आगे को निकाल दिया है, 2D लोगो, ये भी देखिए काफी अच्छा है। एक चीज और अच्छी हुई है कि बारिश हुई है, तो मैं इसमें एक चीज और दिखाता हूँ आपको क्या नेगेटिव मुझे लग रहा है। देखिए जब गाड़ी चलेगी ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा छींटे ज्यादा मारेगी यहाँ पे। हालांकि इसमें अभी मड फ्लैप नहीं लगा हुआ है, मड फ्लैप लगने के बाद थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है गाड़ी को, बट लेकिन यहाँ पे भी देखिए कहाँ तक इसने छींटे मारे हुए हैं, ऊपर तक। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव है। वहीं पे दूसरी बात पीछे देखेंगे, यहाँ पे भी थोड़ा सा गंदा किया हुआ आप देख सकते हैं। हालांकि मड फ्लैप नहीं है, मड फ्लैप लग जाएंगे तो थोड़ा सा हो सकता है इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए। लेकिन एक चीज देखिए, यहाँ से इसको पीछे से देखेंगे ना, तो जो पंच में भी था ना, वो इसमें भी है सिमिलर, की टायर को पूरा कवर नहीं करता है। और यहाँ से थोड़ा सा पीछे से देखने पे आपको टायर जो है वो कम्प्लीटली दिखने लगेगा। ये देखिए, अब ये देखिए यहाँ पे ना जो इस तरीके से है, बाकी यहाँ पे अगर मड फ्लैप लग जाएगा तो थोड़ा सा और इसको इम्प्रूव हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा जो है ये गंदा इसने किया हुआ है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, मैं दिखाता हूँ आपको एक चीज। अब इसके डोर हैंडल्स तो उन्होंने काफी प्रीमियम दिया है, जिसके अंदर आपको टच भी मिल जाता है, कीलेस एंट्री और सेंसर मिल जाता है, इसको लॉक, इसको प्रेस करते ही आप लॉक अनलॉक हो जाती है गाड़ी। बट इसमें एक चीज नेगेटिव क्या है कि ये जो डोर है ना, डोर हैंडल है, ये आगे को नहीं आता है, तो आपको इसको ऐसे पुश प्रेस करना ही पड़ता है। जैसे मान लो गाड़ी अनलॉक करी, उसके बाद आपने इसको प्रेस किया और फिर इसको ओपन किया, तो ही ये खुलता है। और लेकिन अच्छी बात यह कि वापस ये चला जाता है। जैसे XUV700 के अंदर एक प्रॉब्लम था कि वो वापस नहीं जाता था कभी कभी, और लेकिन वो लॉक अनलॉक करने पर वो खुल जाता था, तो वो भी काफी अच्छी चीज थी। तो वही है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड में। अब यहाँ पे देखिए इस, ये जो है ये काफी प्रीमियम आपको महसूस होने वाला है, चाहे वो इसका लेदर हो या प्लास्टिक हो या यहाँ पे पियानो फिनिश हो, सिल्वर कलर हो, ये तो काफी ज्यादा प्रीमियम फील होने वाला है, जो कि नेक्सॉन में भी होता है, तो काइंड ऑफ आपको सिमिलर ही यहाँ पे दिखने वाला है। वहीं पे बॉटल वॉटल रखने का स्पेस है अच्छा खासा, यहाँ पे आप इसमें अम्ब्रेला रख सकते हो, JBL के स्पीकर है। अभी मैं इसके अंदर म्यूजिक सुन रहा था, इसका जो म्यूजिक सिस्टम है ना जबरदस्त है। देखो टाटा का है नो डाउट, इसके अंदर भी बहुत अच्छा है, मतलब जो इसका बेस है, जो क्लियरिटी है वॉइस की, वो बहुत ही जबरदस्त है। बट लेकिन ऐसा तो नहीं है कि भाई सिर्फ म्यूजिक की वजह से हम गाड़ी ले लें। तो बेसिकली गाड़ी के अंदर क्या होता है,
देखो आप सुन रहे होंगे जो धमक है, जो क्लैरिटी है वॉइस की, वो काफी ज्यादा अच्छी है। फिलहाल मैं इसको म्यूट कर देता हूँ। अच्छी या बुरी पता नहीं, बट लेकिन वही नेक्सॉन वाला आपको ऑडोमीटर इसके अंदर मिलने वाला है, डिजिटल वाला, जिसको आप चेंज भी कर सकते हो। जो स्टेयरिंग है वो भी आपको एक्जैक्टली नेक्सॉन वाला मिलने वाला है, जिस तरीके का नेक्सॉन सफारी या हैरियर में आता है उसी तरीके का मिलेगा, जहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाएंगे, इंफोटेनमेंट सिस्टम के, इंफोटेनमेंट सिस्टम भी बहुत बड़ा है, वो सारे फीचर्स आते हैं इसके अंदर, जो एक जो इनकी बाकी की गाड़ियों में भी आते हैं, चाहे वो AQI लेवल हो, इनका सनरूफ को यहीं से वॉइस कमांड करना हो, या और जितनी भी चीज़ें हो, सारी की सारी यहाँ पर आती है। बाकी ये क्रूज कंट्रोल भी इसके अंदर आता है, टच पैनल वही वाला है जो इनकी बाकी गाड़ियों में भी आता है, तो लेआउट वगैरह भी आपको सिमिलर सा ही कहीं ना कहीं दिखेगा। बाकी इनकी सीट जो है वो भी आप देखिएगा, सिमिलर सी ही लगेगी आपको, चाहे वो नेक्सॉन की हो, चाहे वो हैरियर की हो, और चाहे वो सफारी की हो। IRVM भी आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है, यहाँ पे लाइट जो है वो व्हाइट कलर की मिल जाती है, और सनरूफ को खोलने के लिए वन टच यहाँ पे मिल जाता है। पैसेंजर साइड में आपको मिरर मिलता है, ड्राइविंग साइड में आपको मिरर नहीं मिलता है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। तो ये ओवरऑल चीजें हैं जो सिमिलर सी ही आपको मिलने वाली है टाटा नेक्सॉन वाली, अगर आप बोलोगे। बाकी यहाँ पे जो है वायरलेस चार्जर है, वही 3 आपको मोड्स मिल जाएंगे, जिसमें इको सिटी स्पोर्ट्स, 12 वॉट का सॉकेट, तो वो काइंड ऑफ सिमिलर सा ही आपको मिलने वाला है। यहाँ पे ऑटो होल्ड मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक मिल जाएगी, तो सारी चीजें आपको वही मिलने वाली है जो आपको नेक्सॉन में मिलती है। अब मोटा मोटा डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ क्या है इसके अंदर। डिफरेंस है जब आप इसके अंदर बैठोगे ना, तो नेक्सॉन से ये बड़ी आपको नजर आने वाली है, और हैरियर सफारी से छोटी नजर आने वाली है। स्पेस की, कंफर्ट की कोई कमी नहीं है। आप देखिए थाई सपोर्ट मेरा देखिए, और हेडरूम मेरा देखिए, बैक सपोर्ट देखिए, काफी अच्छा, मैं काफी अच्छे से होल्ड करके बैठ सकता हूँ, बहुत प्यार से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो टाटा की और भी गाड़ी है, इवन की पंच भी है, उसमें भी काफी अच्छा कंफर्ट दिया हुआ है। नेक्सॉन में हालांकि थोड़ा सा कम है कंपैरेटिवली पंच के, बट इसमें आपको अच्छा खासा कंफर्ट मिलने वाला है। थाई देखिए मेरी आराम से लगी हुई है, 5'7" मेरी हाइट है, 6 फीट के भी अगर आप होंगे तो भी आपको हेडरूम में हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि सनरूफ की वजह से थोड़ी सी नीचे आ गई है छत, तो उस हो सकता है उस वजह से हो जाए, अदरवाइज ऐसा कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लेग रूम काफी अच्छा है, ब्रॉड है सीट्स, गाड़ी भी ब्रॉड है, 2 लोग आराम से बड़े बैठ सकते हैं, कोई शोल्डर टच नहीं होने वाले। तो ये था फ्रंट में। बैक में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितना अच्छा स्पेस है और कितना अच्छा स्पेस मैनेजमेंट इसमें किया हुआ है। और 360 डिग्री कैमरा की जो है मैं क्वालिटी भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 360 डिग्री कैमरा की क्वालिटी आप देखिए, काफी अच्छा है, और 3D में भी अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी आपको इसके अंदर मिलने वाली है। अब चलते हैं पीछे। भाई पीछे का डोर आपने ओपन किया, ऑलमोस्ट 80-85 के आसपास खुल जाता है। देखिए सीट में ना बहुत अच्छा कंफर्ट है। नेक्सॉन की पीछे वाली सीट्स भी काफी अच्छी हैं, इसकी भी एक्स्ट्रा थाई सपोर्ट दिया हुआ है, और जो प्रीमियम है काफी ज्यादा सीट्स कवर जो है यहाँ पे भी, बीच वाले पैसेंजर के लिए भी आप देखिए कितना अच्छा है स्पेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा हल्का सा मतलब माइनस है, थोड़ा सा पीछे है बाकी की सीट से, बट कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर आप बैठोगे तो उसमें आप कंफर्टेबली बैठ सकते हो। एक अच्छी बात क्या है, 60-40 का स्प्लिट आपको इसके अंदर मिल जाता है, तो अगर आपको स्प्लिट करनी है सीट और बूट स्पेस को बढ़ाना है, तो आप 60-40 का स्प्लिट और इसको पूरा फोल्ड कर दोगे तो और भी बहुत बड़ा सा स्पेस आपको मिल जाएगा, पूरा बूट स्पेस आप इसको यूज कर सकते हो। भाई 3 लोगों के बैठने की बात करें ना, तो 3 लोग बहुत ही प्यार से इसके अंदर बैठ सकते हैं, आपको 1% की भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट हेडरूम 6 फीट या लंबे हैं आप, तो हेडरूम आपको प्रॉब्लम होने वाली है। हालांकि मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सनरूफ होने के बाद भी हेडरूम अच्छा खासा मुझे मिल रहा है। देखिए आप 5-6 इंचेस का हेडरूम मुझे अच्छा खासा मिल रहा है, और डिफरेंस नेक्सॉन से 100% बड़ी है। AC वेंट्स पीछे आ जाते हैं, दोनों ही टाइप के आपको यहाँ पे पोर्ट मिल जाएंगे चार्ज करने के लिए, और अच्छा खासा स्पेस है। थोड़ा सा बड़ी लगती है नेक्सॉन से 100%, जब आप इसके अंदर बैठोगे आपको फील भी होने वाला है कि थोड़ा सा बड़ी है। बाकी नेक्सॉन से ज्यादा कंफर्टेबल है या नहीं ये सीट्स, ऐसा नहीं है, आई थिंक सिमिलर सी ही है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, जैसा नेक्सॉन के अंदर मिलता है वैसा ही है। और बट 100% बड़ी है, तो स्पेस थोड़ा सा ज्यादा मिलने वाला है। पीछे मैं दिखाता हूँ मेरे को एक चीज क्या अच्छी लगती है इस गाड़ी की ना, सबसे अच्छी बात मैं बताता हूँ, सबसे अच्छी बात मेरे को इसकी लगती है बैक। इसका रेयर जो है ना वो बहुत ही अमेजिंग है। आप चाहे इसकी कनेक्टिंग लाइट्स देख लीजिए, मैं आपको एक बार लाइट जला के भी दिखाता हूँ। ये देखिए जो कनेक्टिंग लाइट है ना, टेल लैंप, वो काफी अच्छी लगती है। यहाँ पे देखिए इंडिकेटर जो है यहाँ तक आता है, पूरा इंडिकेटर यहाँ तक, तो बाकी जो गाड़ियों में वो यहीं तक रहता था, अब इसमें देखिए यहाँ तक ये पूरा इंडिकेटर आता है। और अगर आप इसके कनेक्टिंग टेल लैंप की बात करेंगे तो वो पूरी जलती है यहाँ से लेके यहाँ तक। आप देखिए दोबारा देखिए, ये आपको मैं एक बार दोबारा दिखा दूं, ये
देखिए पूरी जलती है कनेक्टिंग टेल लैम्प, ठीक है। तो इंडिकेटर जब जलेगा तो वो यहाँ तक जलेगा, कनेक्टिंग टेल लैम्प पूरी की पूरी जलती है। बाकी वही 360 डिग्री कैमरा की रेयर प्लेसमेंट यहाँ पर है, कर्व लिखा हुआ है। और ये जो एलिमेंट्स है ना थोड़े थोड़े, ये काफी अच्छे लगते हैं। हालांकि ये साफ करने में प्रॉब्लम होने वाली है, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इसको साफ गाड़ी चलाएंगे रोड पे तो ये वाला एरिया थोड़ा सा ज्यादा गंदा होने वाला है कर्व्स एंड क्रीजेस की वजह से। बट अदरवाइज ओवरऑल लुक की अगर बात करोगे तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। बाकी देखिए मैं हालांकि थोड़ी सी हाइट पे भी खड़ी है गाड़ी, पर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, देखिए कितनी हाइट है। गाड़ी की हाइट ज्यादा नहीं है लेकिन काफी बल्कि सी, काफी मजबूत सी एक गाड़ी आपको दिखने वाली है ये। बाकी ये जो कॉम्बिनेशन है ना ब्लैक एंड ये रेड कलर, इसको बोल रही है कंपनी, तो वो थोड़ा सा काफी अच्छा है, मतलब रेड के साथ काफी अच्छा जा रहा है। बाकी ये जो स्पीच में स्ट्राइप्स दी हुई है ब्लैक कलर की, ये वाली भी काफी अट्रैक्टिव इसको बना रही है। वहीं पे आपको इसके अंदर पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं दो, यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। बाकी का पूरा सेटअप ऐसे ही है। बाकी मैंने आपको बूट तो दिखाई दिया था कि अगर आप उसको प्रेस करके रखोगे तो ये आपका बूट इसका अनलॉक हो जाएगा और ओपन भी हो जाएगा। सिर्फ अनलॉक ही नहीं, ओपन भी हो जाता है और गाड़ी बोलेगी भी कि भाई प्लीज बूट इज ओपनिंग, प्लीज चेक। और 500 लीटर का बड़ा सा बूट स्पेस आपको मिल जाता है यहाँ पे, देखिए कितना बड़ा बूट स्पेस है। बाकी यहाँ पे जो है थोड़ा थोड़ा स्पेस है सामान रखने के लिए, तो एक्स्ट्रा स्पेस भी आपको इसमें मिल जाता है। बाकी लाइट मिल जाती है यहाँ पे, हैंग करने के लिए हुक्स मिल जाते हैं दोनों ही साइड में। और रेयर स्टेपनी की बात करेंगे तो एक्स्ट्रा जो टायर है वो भी आपको इसके अंदर मिल जाता है, जो कि 16 इंचेस का है। वैसे गाड़ी के अंदर 18 इंचेस के टायर आते हैं अलॉय व्हील के साथ, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन स्पेयर व्हील जो है वो 16 इंचेस है। सॉरी आदत ऐसी पड़ी हुई है। तो यहाँ पे आपने प्रेस किया टेल को, एक चीज चेक करते हैं, रुकिए एक चीज चेक करते हैं, क्या इससे बंद भी होता है? ये ओपन हो गया पूरा, ठीक है। अब भाई बंद भी हो रहा है, बहुत ही जबरदस्त ओपन और क्लोज दोनों ही इलेक्ट्रिकली हो जाता है, आपकी की से ही आप कर सकते हो। बाकी एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे इसके जो एलॉयज है, ये 18 इंच के टायर मिलते हैं इसके अंदर, तो ये भी काफी अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है। बाकी ओवरऑल साइड प्रोफाइल आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लोग बनाते रहते हैं। आपको भी अपनी गाड़ी का रिव्यू शेयर करना हमारे चैनल पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ना हमारा ईमेल एड्रेस और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम लोग आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और आप शेयर कर सकते हो अपना रिव्यू हमारे चैनल पे।